हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ मैथमेटिक चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट को। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट को। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर हमें क्या करना है, फाइंड करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आपका गिवन में है द नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली दे रखा है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। और यहां पर गिवन में क्या है, जो जीरोज हैं उस जीरोज का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, और आपको फाइंड करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता था, वहां हमें जीरोज फाइंड आउट करना होता था। तो यहां पर क्या है कि आपको जीरोज का सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, आपको फाइंड क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं भाई, पहले जो गिवन में है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन में है सम ऑफ जीरोज, ले लेते हैं भाई कि अल्फा और बीटा क्या है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, और उसमें आपका दे रखा है कि भाई जो भी जीरोज हैं उनका सम अल्फा प्लस बीटा या इक्वल है 1/4 के, और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ये दे रखा है -1 के। अब इसके बाद हम देखेंगे कंडीशन कि भाई जब अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो भाई यहां लिख देते हैं हम, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, देन आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होता है, यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। भाई अगर अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं, देन आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब यहां पर आप करेंगे क्या भाई, जो आपका गिवन में है जैसे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, आपको बस सिंपल से करना क्या है, यहां पर आपको वही वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। चलिए देखते हैं, तो यहां ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4, साथ में एक्स लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। अभी यहां पर देखेंगे क्या, कि जो कोफिशियंट है एक्स का ये 1/4 एक्स है, ये फ्रैक्शन में है, तो यहां एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो भाई ये एलसीएम हो जाएगा यहां पर 4, और ये हो जाएगा आपका 4x² और माइनस एक्स हो जाएगा और 4 × 1 हो जाएगा 4। तो भाई आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो मिल जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो भाई इस तरह हम फाइंड आउट किए हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं। सेकंड वाला पार्ट देखेंगे,
अब सेकेंड वाले पार्ट में भी दे रखा है आपका गिवन में अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोज हैं उसकी वैल्यू दे रखी है क्या रूट टू और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू दे रखी 1/3। तो भाई यहां अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है फिर वैसा ही हमको लिखना है क्या इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यहां पर भी आपको वही काम करना जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है बस अल्फा और बीटा अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो भाई यहां पर अगर हम करेंगे तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है रूट टू और ये एक्स और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी 1/3। यहां भी फ्रैक्शन में है एलसीएम ले लेंगे तो भाई एलसीएम लेंगे यहां 1 हो जाएगा इसके अपान में भी 1 हो जाएगा तो भाई 3 एलसीएम हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है तो ये आपका हो जाएगा 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो भाई ये हो जाएगा 3x स्क्वायर यहां पर भी 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 रूट 2x और 3 बन जा 3 होता है इसलिए यहां पर 1 ही रहेगा और आपका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा क्वाड्रेटिक वो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इस 3 को हटा देंगे यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही इसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सारे पार्ट आपको वैसे ही करने हैं एकदम सिंपल से क्वेश्चन है यहां पर आपका सम और प्रोडक्ट दे रखा है बस वैल्यू को आपको क्या करना होता है फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना होता है आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। भाई यहां पर भी चलो देखते हैं वैसे ही करना है आपको तो भाई थर्ड नंबर में भी आपका अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू तो दे रखी है 0 और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू दे रखी है रूट 5 पहले वाला सम और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो भाई इसके बाद वही चीज लिख देना है आपको इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन आपको क्या मिलेगा अल्फा और बीटा का जीरोज है तो हमें मिलेगा क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कैसा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। भाई यहां पर भी हम रखेंगे वैसे ही काम करना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखा है तो यहां 0 लिख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है रूट 5 उसकी जगह पर रूट 5 को रख देना है तो भाई यहां पर हो जाएगा ये 0x और प्लस हो जाएगा रूट 5। अब 0x इसको लिखो या ना लिखो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 यहां पर x का कोफिशियंट वाला टर्म हो जाएगा 0। तो भाई ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है ये तो और सिंपल यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 दे रखी है
तो भाई यहां पर भी आप देखेंगे फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू वन। फिर आपको वही लिखना है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन आपको मिलेगा क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, यहां रख देंगे वन एक्स और प्लस वन और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट भी करते हैं, करना सारे पार्ट वैसे ही हैं। यहां पर भी आपका दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू दे रखी वन बाई फोर और अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू दे रखी वन बाई फोर, एक प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है वन बाई फोर और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी माइनस वन बाई फोर। इसके बाद लिखेंगे क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा मिल जाएगा। अब यहां पर हम देखेंगे भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस वन बाई फोर है तो ब्रेकेट एक बना लेते हैं और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है वन बाई फोर, तो भाई यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस प्लस वन बाई फोर एक्स प्लस हो जाएगा वन बाई फोर। चलिए यहां पर ले लेते हैं एलसीएम फोर, तो भाई फोर एलसीएम लेंगे, फोर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स होगा और प्लस वन और जो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा वो होगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका देखते हैं सिक्स पार्ट, तो भाई सिक्स पार्ट में भी वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते आए हैं, ये भी सम आपका फोर गिवन है सम ऑफ जीरोज और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वह इक्वल है वन के। अब लिख देंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल देन आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ये आपका मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया सॉल्व और इसके सभी पार्ट हो गए सॉल्व और इस तरह एक्सरसाइज भी आपकी हो गई कंप्लीट।
तो भाई एक कुछ क्वेश्चन, एक मतलब अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, पहले क्वेश्चन में था कि वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था, हमें जीरोस फाइंड आउट करना था। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाले। लेकिन इसके एक दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां पर आपका जीरोज गिवन होंगे, मतलब जैसे यहां पर सम ऑफ जीरोज गिवन है, वैसे वहां पर गिवन होगा कि भाई अल्फा एंड बीटा आर जीरोज एंड पॉलिनोमियल, आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एक क्वेश्चन करा देते हैं, इफ 3+√5 एंड 3-√5 आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब यहां पर सिंपल सा दे रखा है कि भाई जैसे पहला क्वेश्चन जो हमने अभी इससे पहले सॉल्व किया, वहां पर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन था, और इस क्वेश्चन में क्या है कि भाई यहां पर जीरो पार्टिकुलर जीरोज की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की और बीटा की, कि भाई 3+√5 एंड 3-√5 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, देन फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई यहां पर गिवन क्या है कि 3+√5 एंड 3-√5 क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, तो आपको निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई यहां लिख देते हैं, पार्टिकुलर अल्फा की वैल्यू दे रखी है, जो पहला जीरोज है वो 3+√5, और जो बीटा है इसकी वैल्यू दे रखी 3-√5। तो भाई अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पर गिवन है जीरोज की, ना कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसके बाद आपको लिखना वैसे ही कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपका हो जाएगा वही जो फॉर्मूला पहले बताए थे, x²-α+β(x+α)β। और यहां से आप क्या करेंगे, इस बार आपको क्या करना है, अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू और बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो भाई अल्फा की वैल्यू दे रखी है क्या, 3+√5 और बीच में प्लस का साइन लगाना है आपको, और बीटा की वैल्यू दे रखी 3-√5 और ये हो जाएगा एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है 3+√5 ब्रेकेट बना लेंगे, और बीटा की वैल्यू क्या है 3-√5। अब यहां पर ये तो कट जाना है क्योंकि एक प्लस का रूट फाइव है, दूसरा माइनस का है। अब यहां पर क्या आएगा आपका, x²-3+3 हो जाएगा 6x और प्लस, अच्छा इस पोर्शन में देखेंगे ये पोर्शन कुछ ऐसा है, a+b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a-b, ये इक्वल हो जाता है a²-b²। तो भाई यहां पर आइडेंटिटी हम लगा देंगे a+b और a-b की, तो ये हो जाएगा आपका 3²-√5 इसका स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा x²-6x+9-5, और ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x²-6x+4। तो यहां पर जीरोज वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने वाले दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा जैसे पहले हमने सॉल्व किया था, दूसरा आपका इस टाइप का
कि यहाँ पर पार्टिकुलर आपको जीरोज की वैल्यू दे रखी होगी और आपको फाइंड करना होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो इस तरह ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, और इसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे अगले